तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट वर्क पॉइंट चार्ज कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट वर्क पॉइंट चार्ज तो ये आपने देखा था कि अगर आपका कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है तो होता था कितना, क्यू अपॉन 4πε0r² इंटू आर का, यहाँ पे आर कैप उसका डायरेक्शन बताता। सो अब हम इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन में क्या होता था, जैसे कोई मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे दूर की तरफ, और कोई एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी तरफ हो। तो हमने इतना देखा था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होता है और निगेटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होता। तो उसके साथ ही हमारे पास दो तीन प्रॉब्लम थे, तीन सेट ऑफ प्रॉब्लम थे। पहला प्रॉब्लम था कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक क्यू है और एक 4q है, जो कि एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू कैपिटल एल अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली रखे हुए हैं। तो फाइंड द वेयर अनदर पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज टू बी प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस सो दैट नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट एक्स इक्वल टू 0 बिकम 0। तो इसमें हमारा जो सिचुएशन है कुछ इस प्रकार से, एक्स इक्वल टू 0 पे एक चार्ज पार्टिकल क्यू रखा हुआ है, एक्स इक्वल टू कैपिटल एल पे एक 4q चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। अब हमको बताना है कि एक तीसरा चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू इस पूरे एक्स एक्सिस पे कहाँ पे रखा जाए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे रख रहे हैं, जो तीसरा चार्ज पार्टिकल क्यू है उसको हम एक्स इक्वल टू 0 से आर लेफ्ट की तरफ रख रहे हैं। हमको यही आर निकालना है सच दैट कि ये जो एक्स इक्वल टू 0 पे चार्ज पार्टिकल है वहाँ पे आपका नेट फोर्स 0। तो इस चार्ज पार्टिकल के कारण इस पे एक्स इक्वल टू 0 पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल क्यू पे जो फोर्स लग रहा है वह F1 मान लीजिए, और जो 4q के कारण इस पे लग रहा है उसको F2 मान लीजिए। डायरेक्शन मैटर कर रहा, देखिए ये दोनों सेम चार्ज है तो इसने इसको धक्का दिया अपने से दूर की तरफ, ये भी है तो इधर धक्का दिया। अब तीसरा चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ रखा है जिसका डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या होगा, F1 = F2 होगा, होगा कि नहीं होगा, F1 = F2 होगा। तो F1 क्या है, F1 है चार्ज फोर्स ऑन द चार्ज क्यू एट x इक्वल्स टू 0 बाई चार्ज क्यू एट x इक्वल टू -r, और F2 क्या है, F2 आपका फोर्स ऑन द चार्ज क्यू एट x इक्वल्स टू 0 ड्यू टू चार्ज एट x इक्वल्स टू L। अब F1 बराबर F2 है, F1 बराबर F2 हो तो क्या हो, F1 का फार्मूला कोलम्स लॉ से रखिए, कोलम्स लॉ क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r² यहाँ पे Q1 पहला चार्ज पार्टिकल था, Q2 दूसरा और r उनके बीच का सेपरेशन था। तो ये हो गया 1/4πε0 F1 की बात करें, दोनों चार्ज पार्टिकल Q और Q है तो Q × Q² और उनके बीच का सेपरेशन r है तो × r² = 1/4πε0 एक 4q चार्ज है और एक q चार्ज है और सेपरेशन कितना है L। तो ये हुआ। अब इसको सॉल्व करने पे हमको R की वैल्यू मिले ±L/2, तो ±L/2 हमारा कुछ यहाँ पे आएगा और −L/2 यहाँ पे आएगा। तो अगर हम चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रख रहे हैं तो ये इसके बाद यहाँ पे नेट फोर्स 0 होने का जो संभावना था वो ख़त्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रखोगे तो एक इधर लगाएगा फोर्स और ये भी इधर ही लगाएगा, तो दोनों नेट फोर्स एडिशन में होकर के कभी 0 नहीं हो सकते, सेम डायरेक्शन में है तो 0 नहीं होगा। तो जो दूसरा पोजीशन r = −L/2 है वही केवल ओपन, r = +L/2 रिगार्ड हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, तो r = −L/2। अब हम ये देख रहे हैं कि जो तीसरा चार्ज पार्टिकल q है वह r = −L/2 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इन केस पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो x = 0 पे रखे हुए चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली दूसरा प्रॉब्लम क्या था, दूसरा प्रॉब्लम था कि एक चार्ज है q = 1 कोलम और q = −4 कोलम, r fixed at a separation of 1 meter
तो आपको बताना है कि वेयर शुड यू प्लेस द थर्ड चार्ज स्मॉल क्यूब सो दैट इंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सो इसमें क्या है, इसमें आपका एक चार्ज पार्टिकल है Q1, Q1 है +1 कूलम और Q2 है -4 कूलम, तो क्यू इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर। अब हम एक तीसरा चार्ज पार्टिकल जो स्मॉल क्यू है उसको मान लीजिए इस Q1 कूलम से x मीटर लेफ्ट पे रख रहा है, तो हमको क्या निकालना, यही x निकालना। तो इस जो नया चार्ज पार्टिकल का इसी पे नेट फोर्स आपको जीरो करना है, तो इस सिस्टम में क्योंकि ये दोनों तो पहले से इक्विलिब्रियम है, जो तीसरा चार्ज पार्टिकल आया है उसको अगर हम इक्विलिब्रियम में रख दें इन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल क्यों है, अब इस पर नेट फोर्स देखिए, F1 इस पर नेट फोर्स है जो आपको Q2 ने लगाया, Q2 माइनस है, ये F1 है, F1 इधर की तरफ, Q2 माइनस है और Q प्लस है तो अपनी तरफ लगेगा, और F2 क्या है, 1 कूलम चार्ज तो अवे फ्रॉम लगेगा। तो अब सेम प्रोसीजर, F1 = F2, तो 1/4π0 4Q/x+1² = 1/4π0 Q × 1/x². इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 मीटर आएगी, 2 वैल्यू जाएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिएगा तो 2 वैल्यू जाएंगे, एक वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे मैग्नीट्यूड वेरी कर जाएगा, और दूसरी वैल्यू आपकी एक्सेप्ट x = 1 मीटर। अब तो ये हमारा प्रॉब्लम था कि x = 1 मीटर पर अगर हम रखेंगे तो हमारा इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रॉब्लम की, तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि 4 चार्ज पार्टिकल है, 2 है कैपिटल Q के और 2 है स्मॉल Q के, आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर शोन बिलो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, सो द नेट फोर्स ऑन द चार्ज स्मॉल क्यू इज 0। तो आपके पास ये फैमिली है, अब हमको क्या करना है कि नेट फोर्स ऑन द स्मॉल क्यू 0, चाहे आप यहाँ ले लीजिए चाहे आप यहाँ ले लीजिए, तो इस पर नेट फोर्स होगा कितना ये देख लीजिए पहले। तो इस पर नेट फोर्स देखने के लिए आपके पास देखिए एक शब्द, इस पर नेट फोर्स देखिए, ये एक स्क्वायर है तो एक इस स्मॉल क्यू पे आप फोर्स से देखिए कितने लग रहे हैं, एक तो ये क्यू लगाएगा, एक ये स्मॉल क्यू लगाएगा और एक ये कैपिटल क्यू लगाएगा। तो जो कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू जो है ये वाला, ये स्मॉल क्यू पर जो चलेगा उसको F1 मान लीजिए, ये कैपिटल क्यू जो लगाएगा उसको F2 मान लीजिए, और ये जो स्मॉल क्यू उस पर लगाएगा F3 मान लीजिए। अब ये आप देख ही रहे होंगे कि F1 = F2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों का सेपरेशन सेम है क्योंकि ये स्क्वायर है, लेकिन F3 को डिफरेंट हो। अब F3 और F2 में, F1 F2 में रिलेशन है निकालना हमको बेसिकली, तो F3 आपका कितना होगा, F3 आपका होगा Q Q/4π0 × 2D² आपका। 2D² क्यों लिखा हुआ, क्योंकि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है, ये स्मॉल क्यू और ये स्मॉल क्यू, ये D√2 है, तो D√2 को स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2D² आएगा, इक्वल्स टू सॉल्व करने पे F/2 आएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ये देखिए, ये F2, ये F है, ये F है, और ये एक रिजल्टेंट है, ये F√2 हुआ, और इधर की डायरेक्शन में एक और फोर्स था, कौन सा, F/2, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ, क्यू पे रिजल्टेंट फोर्स हुआ आपका F3 + F√2, तो ये हो गया आपका F × 1/2 + √2। अब इसको इक्वल्स टू अगर हम 0 कर देते हैं तो ये आपका जो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बराबर आता है, उसमें रिलेशन आ गया, तो ये स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू आ गया आपका -2√2Q। और अभी हमने देखा था शुरुआत में ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल कितना होता है, वह आपने पिछली क्लास में देखा था कि वह होता है पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल होता है, निगेटिव चार्ज की तरफ होता है, और उनका मैग्नीट्यूड होता है सिंपली 1/4π0 × Q/r² × r। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ये प्रॉब्लम कह रहा है कि 3 चार्ज पार्टिकल, 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल विद द चार्जेस +Q − Q एट द वर्टिसेस विद एक्यूट एंगल्स एंड अ चार्ज +2Q एट द वर्टेक्स विद राइट एंगल। तो हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मिडिल ऑफ द हाइपोटेन्यूस पे, केवल उसका डायरेक्शन बताना और उसका मैग्नीट्यूड इफ़ पॉसिबल। तो मान लीजिए कि इस जो ये चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा ई,
ये भी ई ही अप्लाई करेगा क्योंकि सेपरेशन तो जो कि मिड पॉइंट है तो सेपरेशन सेम ही होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण दोनों के कारण सेम होगा, तो हमने लिख दिया क्यू ई और ई लिख दिया। अब टू क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वह इधर लगेगा और वह कितना होगा, टू ई होगा। टू ई क्यों होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो होता है इसके हाफ होता है, तो ये टू ई होगा। अब हमारे पास जो सिचुएशन बच रहा है वह यह है, एक टू ई इधर है, एक एक ई इधर है और एक ई इधर है और एक ई है, टू रूट टू ई, नेट रिजल्टेंट आ गया टू रूट टू ई। यहाँ पे ई की जो वैल्यू है वो है क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर बाय टू, टू ऊपर चला गया तो इसको ये आ गया क्यू अपॉन फोर टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ये वाला, ये देखिए ये डायरेक्शन। अब अभी तक तो हमारे पास डिस्क्रीट चार्जेड पार्टिकल्स थे, तो अभी तक हमारे पास समस्याएं नहीं थी, लेकिन तो अभी तक वी आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम एज वी हैव द सिस्टम ऑफ द डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल। तो हम ये मान कर चल रहे थे कि नेचर में केवल और केवल डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स के ही सिस्टम होते हैं, सिस्टम बेसिकली डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल के नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि आपके इंडिविजुअल पार्टिकल्स मिल करके ही सिस्टम बनाते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो भी सकता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी हो सकता। तो अब हमारे पास समस्या क्या है, समस्या ये है कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स नहीं हुए, मतलब सिंगल चार्ज पार्टिकल सिस्टम नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे। मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि एक वॉल्यूम में या सरफेस एरिया में या लाइन इंटीग्रल या फिर किसी रीजन में कॉन्फाइंड हो, तो हम कैसे उस प्रॉब्लम को डील करेंगे। सो जो हमारा आवर डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम द सोर्स ऑफ अ फील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ द डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस If instead the charge is distributed continuously on some region, तो जो आपका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके अगर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल को इंडिविजुअली आप मान रहे थे, इंडिविजुअली मानने का मतलब कि अगर आपके पास ये मान लीजिए क्यू वन था, ये आपका क्यू टू था, ये आपका क्यू थ्री था, तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर निकालने के लिए आप हर एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे और फिर उसका वेक्टर एडिशन करते थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा कंटिन्यूस सिस्टम नहीं हो करके ऐसा मतलब किसी कॉन्फाइंड में वॉल्यूम में कॉन्फाइंड है या किसी रीजन में कॉन्फाइंड है हमारा चार्ज, तब जो सम है वह इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए अगर एक चार्ज पार्टिकल है डी क्यू है, वह किसी रीजन में कॉन्फाइंड है, अब यहाँ से किसी आर डिस्टेंस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी क्यू इंटू आर कैप। आर कैप क्या दिखा रहा है, उसका डायरेक्शन दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब अगर यही चार्ज पार्टिकल किसी रीजन में कन्फाइंड ना हो करके किसी एक लाइन में अलॉन्ग लाइन कन्फाइंड हो, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो लेमडा हो, तो डी क्यू कितना होगा, डी क्यू होगा लेमडा डी, क्योंकि ये देखिए ये जो लेमडा है, लेमडा क्या है आपका, लेमडा आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कि एक में इतना है। तो अगर हमारे पास डी एल लेंथ है, डी एल प्राइम लेंथ है, तो कितना होगा लेमडा इंटू डी एल प्राइम, जहाँ पे डी एल क्या है आपका एलिमेंट है किसका, अपर लेंथ अलोंग द लाइन, तो डी क्यू बराबर लेमडा डी एल डैश हुआ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा आर डैश इंटू डी एल, यही है डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर का। अब अगर मान लीजिए चार्ज लाइन पे ना हो करके चार्ज आपका सरफेस पे हो, मतलब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हमारा सरफेस चार्ज होता जो सर चार्ज पर यूनिट एरिया अगर हम सिग्मा मान लें, तो जो डी क्यू होगा वह होगा सिग्मा इंटू डी ए प्राइम, जहाँ पे डी ए प्राइम क्या है एलिमेंट है किसका, एरिया ऑफ द सरफेस का, ये आपका सरफेस था, अब मैं स्मॉल एलिमेंट एरिया एलिमेंट मान लिया है डी ए प्राइम। तो अगर हम इस स्मॉल एरिया को हम मान लेते हैं डी क्यू, और इससे अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और इसको पूरा इंटीग्रेट करें सरफेस को, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा इस सरफेस के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ सिग्मा आर डैश इंटू डी ए प्राइम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब अगर यही चार्ज पार्टिकल आपके सरफेस पे ना कॉन्फाइंड हो करके किसी वॉल्यूम रो में कॉन्फाइंड हो, तो
तो जो आपका डी क्यू होगा वो इंटू रो इंटू डी टाउ होगा। रो आपका क्या, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, और इसी को कुछ लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, सरफेस पर यूनिट चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो जो हमारा इंटीग्रल होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पूरे वॉल्यूम के कारोबार को वन पॉइंट फोर पर करना, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो आर डैश इंटू डी टाउ प्राइम इंटू आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो बेसिकली अब हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल ना हो करके जो हमारे चार्जेस है वह सरफेस या एरिया या लाइन या वॉल्यूम में कॉन्फाइंड हो, तो वी नो हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एक स्मॉल एलिमेंट मानेंगे और उस एलिमेंट से हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पूरे के कारण, पहले उस स्मॉल एलिमेंट के कारण निकालेंगे और देन आफ्टर वी विल इंटीग्रेट इट ओवर द होल रीजन, तो हमको पूरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के। तो हमारे पास आपको लग रहा होगा कि आपका काम ख़त्म हो गया, कि आपके पास सरफेस चार्ज सरफेस इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल है और एक लाइन इंटीग्रल है। एंड नाउ टिल नाउ यू व्हाट यू हैव स्टडीड, यू विल फाइंड द लाइन इंटीग्रल टू बी द इजियर टास्क। और लाइन इंटीग्रल के अलावा अगर आप सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में इंटरेस्टेड है सो वो इतना ईजी नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को कैसे कंक्लूड करना है, कैसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो उसमें एक लॉ यूजफुल होता है। अगर नॉर्मली जाएंगे तो वो बहुत कठिन है, बट इन द केस ऑफ लाइन इंटीग्रल इट्स गुड टू कैलकुलेट इट बाय द एलिमेंटल मेथड। मान लीजिए एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये कोई एक रॉड है जिसका लेंथ एल है और इसका मास पर यूनिट लेंथ चार्ज पर यूनिट लेंथ है लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, और ये वाई एक्सिस से एक्स नॉट डिस्टेंस पर रखा हुआ। तो हम चाहते क्या है कि इस जो ये रखा हुआ रॉड जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है, इस रॉड से एक्स नॉट डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम रेफरेंस के लिए मान लेते हैं कि जहाँ पे मान वो वाई एक्सिस है, तो y एक्सिस से x डिस्टेंस पर हम एक एलिमेंट लेते हैं dx। अब हमको ये पता करना है कि इस dx लेंथ में, मतलब इस dx विड्थ में कितना चार्ज पार्टिकल कॉन्फाइंड है, उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और पूरे में इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो हमारे पास चार्ज है, चूँकि हमारे पास चार्ज पॉइंट लेंथ कितना है, लैम्डा है, चार्ज पॉइंट लेंथ है, तो dx में कितना होगा, लैम्डा इंटू dx होगा चार्ज। अब इस चार्ज डी क्यू का कंट्रीब्यूशन कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट, तो होगा वन अपॉन फोर पर नॉट इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, तो ये हो गया वन अपॉन फोर पर एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इंटू डी क्यू की जगह हमने रख दिया लैम्डा डी एक्स, और आर की जगह हम रखेंगे माइनस एक्स, एक्स रख चलो एक्स ही रख एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है, ये निगेटिव आई में है तो माइनस आई हुआ और ये माइनस होकर के यहाँ। बेसिकली हमारे पास बच्चा और लैम्डा की वैल्यू हम पे क्यू बाई एल रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एक्स अपॉन एल एक्स स्क्वायर आई कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पूरे का इंटीग्रल, और इस पूरे का इंटीग्रल कहाँ से लेकर कहाँ तक, आपका जो चार्ज एक्स नॉट से शुरू होकर के एक्स नॉट प्लस एल तक गया, तो हमारा जो इंटीग्रल होगा वह भी एक्स नॉट से स्टार्ट होकर के एक्स नॉट प्लस एल तक एंड होगा। तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये आपका इंटीग्रल है एंड ये आपका रिजल्ट है। सो हमने किया क्या, हमने कुछ किया नहीं, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहाँ से हम एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स एलिमेंट लिए, उस डी एक्स एलिमेंट में कितना चार्ज कॉन्फाइंड था उसको कैलकुलेट किए, और उस डी एक्स एलिमेंट में कॉन्फाइंड चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। हमको ये नहीं चाहिए, डी नहीं चाहिए, हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमने क्या किया कि उसको इंटीग्रेट कर दिया, चार्ज हमारा एक्स इक्वल टू एक्स नॉट से स्टार्ट होकर के एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एल तक कॉन्फाइंड था, तो हमने उसकी लिमिट रख दी एंड देन आफ्टर वी हैव सॉल्व एंड गॉट द रिजल्ट। तो ये इसी प्रकार से हम सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। अब दूसरा बात,
दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस जेड अबव द मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2L व्हिच कैरीज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लैम्डा। ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं है, इसको भी एक बार करके दिखाते हैं। मान लिया हमारे पास ये क्या था, सिस्टम था, ये सिस्टम था, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए माइनस एल से लेकर के एल तक। तो हम क्या करें, ये अपने कन्वीनियंस के लिए हम ये मान ले रहे ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस जाने पे हमने एक एलिमेंट लिया dx, इस dx की वजह से इस पॉइंट पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। ये d इधर की तरफ होगा और सिमेट्रिक है, जैसा रॉड इस तरफ है वैसा ही रॉड इस तरफ है। तो अगर हम इस यहाँ से x इधर dx एलिमेंट ले तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम ही होगा, d होगा। अभी तक हमारे चार्जेस जो है, अभी तक हमारे चार्ज कॉन्फिग्रेशन से वह यूनिफॉर्म है, तो हम ऐसा कर पा रहे हैं, यूनिफॉर्म का हम क्या ले रहे हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो ये डी डी है। अब अगर हम इस डी को तोड़ेंगे तो इधर क्या आएगा, डी कॉस थीटा आएगा और इधर डी साइन थीटा, सॉरी इधर डी कॉस थीटा आएगा, इधर डी साइन थीटा आएगा। सो सिमेट्रिक की वजह से ये क्या होता है, एक कंपोनेंट डी का कैंसिल आउट हो जाता है और एक कंपोनेंट आपका बच जाता है। तो डी आपका जो नेट होगा वह आपका 2D कॉस थीटा होगा इसकी तरफ, क्योंकि इधर वाले कंपोनेंट्स आपके कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो ये हो गया 2D। डी कितना है, डी आपका बेसिकली है 1/4πε0 इंटू लेमडा डी एक्स अपान आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा वाई कैप। ठीक, अब कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे वाई बाई आर, तो ये हो जाएगा 2λ इंटू जेड नहीं होगा, ये वाई होगा, 2λ y अपान वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना आपका क्वेश्चन। सो सिमेट्रिक में हमने क्या किया है, जेड डाला हुआ, ये यहाँ पे जेड नहीं होगा, ये सब आपके जितने भी जेड है ये आपके वाई है और ये डायरेक्शन भी आपका वाई कैप है, क्योंकि आपने ये कन्वीनियंस में लिया है ये वाई एक्सिस। तो ई आपका कितना हुआ, तो 4 पॉइंट फार फ्रॉम द लाइन जेड मच ग्रेटर देन है। अगर आपका जेड जो है, मतलब ये जो पॉइंट आपका एल से बहुत बड़ा है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह होगा 1/4πε0 × 2λ l/z2। अगर एल इनफाइनाइट को टेंड करता है तो ये इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर हो जाएगा और देन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा 1/4πε0 × 2λ/z। ये दोनों रिजल्ट आप अपने से क्लियर कर लीजिए एंड इफ गॉट एनी फॉल्ट देन आई विल शो यू हाउ। या फिर मोर जनरली ई बराबर 1/4πε0 × 2λ/s, जहाँ पे एस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। सो हमने लास्ट के दोनों प्रॉब्लम्स में देखा कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब डिस्क्रीट ना हो, कॉन्फाइंड ओवर अ रीजन या कॉन्फाइंड ओवर अ वॉल्यूम है, तो उसको कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। उसमें दो मेन था, पहला क्या था कि एक स्मॉल एलिमेंट dx या dy जो भी लेना हो लीजिए, स्मॉल एलिमेंट लीजिए, उसमें स्मॉल चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करिए एंड फिर उसको इंटीग्रेट करिए पूरे सर्फेस के, पूरे वॉल्यूम के लिए या पूरे सिस्टम। और दूसरा हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, इस पूरे इंटीग्रल को इजी बनाने के लिए बस सिमेट्री बहुत ज़रूरी है ऐसे प्रॉब्लम्स के। मतलब सिमेट्री का मतलब कि जैसा चार्ज पार्टिकल आपका जहाँ से आपने इंटीग्रल लिया है उसके लेफ्ट में देखिए तो वैसे ही चार्जेस हो और उसके राइट में देखिए तो वैसे ही चार्जेस। आपके पास चार प्रॉब्लम्स हम आपको दे रहे हैं, उसको आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। पहला कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस जेड अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर लूप साइड ए कैरिंग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लैम्डा। ये आपका स्क्वायर है और ये इसका जो लेंथ है वह ए है, इससे आपने जेड डिस्टेंस ऊपर पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस जेड अबव द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉलर विच कैरीज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लैम्डा। ये आपका है रेडियस आर का एक सर्कुलर लूप है, इससे जेड डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट पी है, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तीसरा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर विच कैरी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये है, ये डिस्क है, डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है और इस डिस्क के सेंटर से आपको जेड डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो एक पॉइंट पी मिलेगा, तो इस डिस्क के कारण आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर। एंड चौथा प्रॉब्लम बट आखिरी नहीं है, एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड है जो कैरी द यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर इट्स लेंथ।
इट इज बेंड इन द फॉर्म एज शोन इफ द चार्ज पेंडुलम लेंथ इज लैम्डा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ओ कितना होगा। ये एक आपका यूनिफॉर्मली इन्फाइनाइट वायर था, उसको हमने ऐसे मोड़ दिया, तो हमको जब ने मोड़ दिया तो हमको इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। इन चारों प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिए, नहीं होता तो अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा इसका सोल्यूशन। एंड आफ्टर ऑल ये टू मोस्ट बेसिक थिंग्स, पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दूसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्क्रीट चार्जेस पार्टिकल ना होना या फिर कॉन्फाइंड टू किसी रीजन पे, और तीसरा था सिमेट्रिकल केस। इन तीनों बातों को ध्यान, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ सरफेस चार्ज वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो आप सही हैं, लेकिन अगर आप इंटीग्रल के महारत ही नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। लाइन इंटीग्रल कर सकते हैं नो डाउट, बट सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल आर टू हार्ड टू टैकल है। सो वी विल नो हाउ टू डील इन सच केसेस वेयर द चार्जेस आर कॉन्फाइंड ओवर वॉल्यूम ऑल ओवर अ सरफेस। यानी एक प्रॉब्लम है सरफेस वाला भी, कोशिश करिए, डिफिकल्टी आपको पता चलेगी, जब डिफिकल्टी पता चलेगी तभी आपको आगे उसके जो हम रूल बताएंगे आसान वाला वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको पुराने में तकलीफ क्या थी वो पता चले। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।